क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x minus 2 की पावर 2 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। देखिए कर्व दिया हुआ है, dy / dx फाइंड करेंगे, वो क्या जाएगा टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और वो जो टेंजेंट है ना इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल है। देखिए अगर कोई दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं ना, ये मैंने मान लिया x1, y1 और ये x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो बनेगी ना ये वाली, उसका जो स्लोप होगा m, वो होता y2 - y1 / x2 - x1। इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए और x2 में से x1 माइनस कीजिए, अपॉन में लिख दीजिए, वो इसका स्लोप होगा। तो इस कोण का स्लोप हम इसमें से ये माइनस करके फाइंड कर लेंगे और वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट इस वाली कोण के पैरेलल है। सबसे पहले तो हम dy / dx फाइंड कर रहे हैं, तो y दे रखा है x - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy / dx = 2। मैंने पूरे टर्म को x माना, उसकी पावर 2 रही, तो 2 तो बाहर आ गया और x - 2 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो भाई यही हमारा dy / dx हो गया। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2,0 एंड 4,4, तो वो हो जाएगा स्लोप, ये y2 है ये y1 है, y2 - y1, तो 4 - 0 / 4 - 2, कितना बचा 4/2। तो इस वाली कॉर्ड का स्लोप 2 आ गया, टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है 2x - 2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार, x - 2 = 1 है, x = 1 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये हमारा x कोऑर्डिनेट पता चल गया, इस x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू x की जगह 3 पुट कर दिया, तो 3 - 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो y आ जाएगा हमारा 1, सो पॉइंट इक्वल टू वो हो जाएगा 3,1। इस वाले पॉइंट पर इस कर्व में जो स्लोप टेंजेंट जाएगा ना वो इस वाले कॉर्ड के पैरेलल होगा।